हाँ, आज की वीडियो हमारी जो मोहल्ला क्लिनिक का भी फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम हुआ था इसकी रिव्यू की वीडियो है। सबको बताया जो हमारा एग्ज़ाम थे कब हुआ था। एक सेकेंड, 16 मई। सोलह मई को क्या हमारा एग्ज़ाम हुआ था, 2022 भी लिख दूँ चलो, इस डेट पे क्या हमारा एग्ज़ाम हुआ था। तो इसके रिव्यू, मतलब कि कैसा एग्ज़ाम था, किस तरह का गया, उसके ऊपर वीडियो बनानी है, मतलब तो इसकी ही वीडियो है ये। तो सबसे पहले क्या है, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए मेरे पास, मतलब बहुत सारे नहीं कहूँगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे के नहीं आए कमेंट, हाँ लेकिन कुछ बच्चों के कमेंट आए। और मतलब कमेंट पढ़ के मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मतलब बहुत सारे कमेंट क्या है, पॉजिटिव। मतलब फिलहाल अगर मैं कहूँ तो अभी तक मुझे सारे पॉजिटिव कमेंट्स ही मिले हैं, कोई भी ऐसा बेकार कमेंट्स या इस तरह के कमेंट्स नहीं मिले। तो उसके लिए सबको बहुत ज़्यादा थैंक यू, आपने इतना सपोर्ट किया। और आप मतलब हम पिछले 1 महीने से लगातार पढ़ रहे थे और आप भी अच्छे से पढ़ ही रहे थे, उसके बाद एग्ज़ाम दे के आए, आपका एग्ज़ाम भी अच्छा गया, आपने कमेंट करके बताया, और सारे जो रिव्यू है वो सब पॉजिटिव मिले, तो उसके लिए थैंक यू। जो मुझे मेन मेन रिव्यू मिले हो मैं बता देता हूँ। मतलब एक तो कंप्यूटर का बताया कि कंप्यूटर के जितने भी क्वेश्चन थे, कंप्यूटर के जो 10 क्वेश्चन थे, 10 के 10 हमारे जो प्लेलिस्ट थी कंप्यूटर की उसके अंदर से आए, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आया। इसके अलावा जो हमारा 80 नंबर का सब्जेक्ट था उसके अंदर से भी बहुत सारे क्वेश्चन जो मुझे कमेंट में आया है, मतलब जो मैंने कमेंट में पढ़े हैं, कमेंट कोई भी देख सकता है, मतलब ओपन टू ऑल है, तो आप खुद भी देख सकते हो क्या कमेंट। और मतलब जिसे देखना हो देखना, नहीं देखना तो यहाँ सुन लो। 80 नंबर का जो हमारा कंटेंट वाला था, सब्जेक्ट मैटर था, उसके अंदर से भी बहुत सारे क्वेश्चन क्या पढ़ाए हुए आए थे। और मतलब जो हमने एक्सप्लेनेशन कर रखी थी, ये भी एक्सप्लेनेशन से अभी बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, मतलब जो मुझे बताया गया है। एक तो ये कैलामाइन वाले लोशन, कैलामाइन वाला क्वेश्चन आया था। इसके अलावा जो हनी के अंदर कौन सी शुगर होती है, फ्रक्टोज, इस तरह के मैं बहुत सारे क्वेश्चन आए थे जो हमने कर रखे थे। कंटेंट के क्या थे, अच्छे खासे क्वेश्चन थे हमारे। तो अब जो ये पेपर था ये तो हो गया, अब हम इसे बात किस लिए करने आया ये बता देता हूँ। ये पेपर हो गया, पेपर सब मतलब जिसका मेरे पे कमेंट आया अच्छा पेपर का है, और पेपर भी बताए थे कि थोड़ा मतलब अच्छे लेवल का था, मतलब आसान था, ज़्यादा हार्ड नहीं था। तो अब मतलब मेरे कुछ भाई बहन का कमेंट आया था कि सर इसकी कुछ कट ऑफ वगैरह या कुछ क्लियर करने का कुछ मार्क्स वगैरह है। तो जिस हिसाब से एग्ज़ाम का रिव्यू मिला है उस हिसाब से मैं नहीं कह रहा हूँ कि यही जाएगी, या मैं बिल्कुल इसका अध्यक्ष बन के बैठ गया कि बस जो मैंने बता दिया वही महेश मती की लाइन होगी, उसके ना आगे ना पीछे। लेकिन हाँ, जो मेरा आइडिया है, जिसकी कट ऑफ है ना, ये लगभग 60 से 70 के बीच रहेगी। अब बच्चों को ये भी लगेगा भाई पेपर आसान था तो 80+ तो जाएगी जाएगी, ऐसा नहीं होता। मतलब एक जो मुझे भी आइडिया है, इतने सारे एग्ज़ाम दिए हैं, भगवान की दुआ से पास भी किया है, तो जो पेपर है वो कैसे भी लेवल का है, 60 से 70%, मतलब 100 में से 60 से 70% कट ऑफ पे क्या है, इजीली नंबर आ जाते हैं। तो इसके हिसाब से भी मेरा मानना है, अब मैं नहीं कह रहा हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ ये बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन हाँ जो मुझे लगता है कि जो हमारा मतलब नंबर आ जाना चाहिए लगभग 70 का राउंड, अगर बहुत ज़्यादा इजी पेपर है तो 70 का राउंड, ये 70 से 75 हो जाएगा बस, इससे ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, इतना बहुत होता है मैक्सिमम। इससे ज़्यादा मुझे तो ऐसा लगता है कि नहीं जाएगी कट ऑफ, और बाकी सबके अपने अपने मत हैं और सबको हर तरह से सोचने की आज़ादी है। तो मतलब जिसे जो लगता है वो कमेंट करके बता सकता है, इसके अंदर कोई वो नहीं है कि ये बोल दिया वो बोल दिया। अगर आपको लगता है कि नहीं सर मेरे हिसाब से कमेंट कट ऑफ 85 जाएगी, तो आप कमेंट करके बता सकते हो और बच्चे भी देख लेंगे आपका भी, लेकिन थोड़ा रीजनिंग लगा के दोगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। ये तो हो गया हमारी कट ऑफ की बात। इसका रिव्यू यही है कि पेपर अच्छा आया था, आसान आया था, और इसके क्वेश्चन अभी हमें नहीं मिले हैं, जैसे इसके क्वेश्चन अवेलेबल हो जाएंगे तो मैं इसके क्वेश्चन भी आपको करवा दूंगा,
ये बात तो गई हमारी इसकी। अब हमें ये तो हमारी कॉन्ट्रेक्चुअल या एडोक बेस की नौकरी थी, इसके अलावा हमारा मेन फोकस किस पे होना चाहिए, DSSSB पे। मेरे पास क्या है, मैसेज आए थे कि सर DSSSB की तैयारी करवा दो, इसका पेपर कब निकलेगा, इसका एग्ज़ाम का लेवल क्या होता है, ये मेरे पास क्या क्वेश्चन आए थे। हाँ, तीन अलग अलग क्वेश्चन आए थे। एक आया था, एक आया था कि सर इसकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवा दो। एक मेरे पास क्वेश्चन आया था सर DSSB का एग्ज़ाम कब निकलेंगे फार्मेसिस्ट वाले। एक क्वेश्चन ये आया था कि सर इसके एग्ज़ाम का लेवल कैसा होता है और इसकी तैयारी अगर हम करें तो किस तरह से करें और किस तरह से करना चाहिए। तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा इसके ऊपर, बस आपको एक हल्का सा आइडिया दूंगा और फिर आपसे मुझे सजेशन भी चाहिए। मैं हर बार नहीं कहता कि कमेंट करो वीडियो के नीचे, लेकिन बस आपके सजेशन चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा, मैं पहले मैं बात कर लूँ उसके बाद कमेंट की बात करेंगे। DSSB का जो पेपर है ना, इसका अगर हम समझे, जो DSSB का पेपर है इसके अंदर क्या होता है, दो पार्ट्स होते हैं। एक मिनट, दो पार्ट्स होते हैं। जो फर्स्ट पार्ट होता है इसे क्या बोलते हैं, जनरल पार्ट। जी, जनरल पार्ट होता है, इसके अंदर क्या आता है, हमारी हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, मैथ आती है, हिंदी इंग्लिश मैथ रीजनिंग, और हमारा क्या GK बोल लो या करंट अफेयर बोल लो, जो भी आपका मन करे। ये तो क्या हमारा फर्स्ट पार्ट है। हाँ, इसे थोड़ा स्पेस दे देते हैं ताकि, ये क्या हमारा फर्स्ट पार्ट है जिसके अंदर क्या है, ये भी कितने नंबर की आएगी, 20 मार्क्स की आएगी, 20 20। एक सेकेंड, ये क्या 20 20 मार्क्स की हमारी क्या है, 20 40 60 80 100, 100 नंबर का क्या आ गया, फर्स्ट पार्ट आ गया, 100 मार्क्स। जो हमारा पार्ट बी आता है, जो हमारा ये, चलो इसका कलर बदल देंगे ताकि अलग रहे, जो हमारा सेकंड पार्ट आता है, इसे क्या बोलते हैं, पार्ट बी बोलते हैं। ये क्या है, सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट रिलेटेड ये सेकंड पार्ट, इसे क्या बोलते हैं, पार्ट बी बोलते हैं। सब्जेक्ट रिलेटेड कितने मार्क्स का आएगा, 100 मार्क्स का ये पेपर आएगा। इसे क्या क्या बोल देते हैं, पार्ट ए। जो हमारा फर्स्ट पार्ट होता है ये 100 मार्क्स का होगा और जो हमारा सेकंड पार्ट है ये भी कितने का होगा, हमारा 100 मार्क्स का होगा। तो 200 नंबर का पेपर आता है, 100 नंबर का जनरल पेपर आता है, 100 नंबर का सब्जेक्ट पेपर आता है। जो हमारा जनरल पेपर है इसका लेवल, हम इसकी मतलब आपने कहा था कि सर इसकी तैयारी करवा दो, तो इसकी हम तैयारी करेंगे, मतलब अच्छा लेवल आता है इसका तो इसकी तैयारी करेंगे। साथ में सब्जेक्ट रिलेटेड मैटर है ये हमारा, अगर हम कहें जो हमने अभी फार्मेसिस्ट का एग्ज़ाम दिया है मोहल्ला क्लिनिक का, अब आप इसका लेवल देख चुके हो, ऐसा ही लेवल इसका क्या आएगा, इससे 19 20, इस पेपर से जो हमारा मोहल्ला क्लिनिक का आता, इससे 19 या 20। अब 19 20 में इसलिए बोल रहा हूँ, ये जो है थोड़ी मतलब कह लो इसे देसी भाषा या थोड़ी एक नॉर्मल लैंग्वेज है, मैं आपको बस आइडिया देना चाह रहा हूँ इससे। अब मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता इसका लेवल, 4.1.16% लेवल आता है, ऐसा नहीं होता इसका लेवल। जो हमने पेपर दिया है इससे 19 मतलब इससे हल्का कम, 20 का मतलब इसके हल्का सा ज़्यादा, तो जो हमने पेपर दिया इसके ही आसपास क्या लेवल रहता है किसका, DSSB का। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जो हम ये है इसका पार्ट भी जो हमने अभी देखे आया हम पेपर मोहल्ला क्लिनिक का, इसके जैसा ही रहता है, थोड़ा कम ज़्यादा हो जाता है, बाकी लेवल सेम रहता है। एक हमारा जो जनरल पार्ट है ये भी मतलब अच्छे खासे लेवल का आता है,
मतलब इतना भी ज़्यादा टफ नहीं आता, लेकिन हाँ थोड़ा अच्छे लेवल का आता है, तो ये भी हमें इसमें तैयारी करने की ज़रूरत पड़ती है। थोड़ा अगर मैं बात बताऊँ, हार्ड नहीं होता है, टाइम टेकिंग होता है बस थोड़ा। तो अगर आप टाइम मैनेज कर लोगे तो इजीली कर पाओगे इसे। और कुछ जो क्वेश्चंस हैं तो हमें, अगर हमने बेसिक से पढ़ रखे हैं तो हम इजीली क्या इन्हें कर पाएंगे। तो बस यही बताना है, DSS भी क्या है, 2 पार्ट्स में होता है। 100 मार्क्स का क्या होगा, हमारा जर्नल पेपर होगा, और जो बाकी के 100 मार्क्स का होगा ये क्या होगा, सब्जेक्ट का पेपर होगा। और हाँ, अब जो मैं कमेंट की बात कर रहा था, अब आपने मुझे कमेंट किया है से इसकी प्रिपरेशन करवा दो। तो मतलब जो जिन बच्चों ने कमेंट कर दिया वो ठीक है, उन्हें दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, वो करना चाहे कर दे अपनी मर्जी से, लेकिन अब मुझे उनका पता लग गया कि हाँ इतने ये बच्चे तो DSSB की तैयारी करना चाहते हैं। बाकी जो बच्चे हैं जो चाहते हैं कि हम DSSB की तैयारी करें, मैं आपको पहले बता दूं, पार्ट भी आपने देख लिया होगा हमने किस तरह से प्रिपरेशन करी, और 1 महीने में ही हमने क्या है 100+ से ज़्यादा वीडियो भी अपलोड करी 1 महीने के अंदर अंदर ही। मैं अकेला इंसान हूँ और 1 महीने में 100+ वीडियो अपलोड हो चुकी थी चैनल के ऊपर। तो डेडिकेशन से करेंगे, कोई भी टाइम पास वाला काम नहीं होगा, डेडिकेशन से करेंगे। तो जो मैं जो मेरा मानना है या जो मैं चाहता हूँ कि अभी हम प्रिपरेशन किसकी करें, जर्नल सब्जेक्ट की करें या जर्नल पेपर की, तो हम अभी से स्टार्ट कर दें। और जिस दिन नोटिफिकेशन आ जाएगा, एक क्वेश्चन मेरे पास ये भी आता है कि इसका नोटिफिकेशन कब आएगा, वो मैं बताने भूल गया। जिस दिन नोटिफिकेशन आ जाएगा उस दिन हम सब्जेक्ट भी ऐड कर लेंगे। अभी हमने सब्जेक्ट पढ़ लिया है, अभी जो मैंने सोचा है आप एक बार मेरी सुन लो। अभी हम जर्नल पेपर की तैयारी करेंगे और हफ्ते में एक या दो वीडियो क्या है अपने सब्जेक्ट वाली पढ़ेंगे, और बाकी दिन क्या जर्नल पेपर की तैयारी करेंगे। और जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो फिर हम अपना सब्जेक्ट भी क्या रेगुलर करेंगे इसके, तब तक हम क्या जर्नल पेपर और हफ्ते में एक या दो दिन क्या सब्जेक्ट की तैयारी करेंगे। और मैं एक बात बता रहा हूँ, मतलब अपने मुँह से कहते नहीं है, लेकिन मतलब कहना अच्छा भी नहीं लगता और कहना भी नहीं चाहिए, लेकिन मैं बस इसलिए कह रहा हूँ ताकि अगर आप सोचो कि मैं किस बिहाफ पे करवा दूंगा तैयारी, तो मैंने DSSB का जो एग्ज़ाम है क्रैक किया हुआ है, इस बेस पे मैं आपको तैयारी करवा सकता हूँ। मुझे पता है इसका एग्ज़ाम का लेवल क्या है, मैंने किस तरीके से एग्ज़ाम किया था, तो मैं आपको एक सलाह ही दे सकता हूँ। बाकी करते सब अपने आप ही हैं, जब आप अपना आप क्रैक करोगे आप भी अपना आप देख लोगे कि किस तरह क्रैक होता है। मैं बस अपना एक्सपीरियंस शेयर करके बता सकता हूँ आपको, और इसके अलावा जो मतलब किस तरीके से मतलब मैंने किस तरीके से पढ़ाई की थी बस इतना बता सकता हूँ, बाकी सब अपने आप करते हैं और आप भी क्या अपने आप ही करोगे। तो मुझे लगता है मैंने अभी डिटेल वीडियो DSSB में नहीं बताई, तो बस अब मुझे यही है कि मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूरा पूरा लिखो कि सर जी आप ये पढ़ाते हो फलाना पढ़ाते हो आपने इतना अच्छा पढ़ाया ये पढ़ाया, कुछ नहीं चाहिए। बस अगर आप कमेंट कर सकते हो, चाहे कमेंट में बस एक डॉट कर दो, लेकिन अगर आप कमेंट कर दोगे तो मुझे पता लग जाएगा कि हाँ इतने बच्चे चाहते हैं कि DSSB के अंदर हम इस प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे, तो मैं DSSB की क्या प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे। जस्ट ऐसा नहीं कि कल से स्टार्ट कर देंगे, 2-4 दिन मुझे भी थोड़ा प्रिपेयर करने में, अपने वापस नोट्स को ढूंढने में टाइम लगेगा, तो अपने नोट्स वगैरह में ढूंढ लूँगा और उसके बाद हम अपने स्टार्ट करेंगे। इतना हम अपना करंट अफेयर तो डेली कर ही रहे हैं, फिर क्या धीरे धीरे इन सब्जेक्ट को भी क्या हम स्टार्ट कर देंगे। तो बस मुझे यही कहना था कि आप चाहो तो कमेंट कर सकते हो, भले ही सिर्फ डॉट करके कर दो, मुझे पता लग जाएगा, या कमेंट में खाली DSSB लिख दो, बाकी कुछ मत लिखो, तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ 2 लोग इंटरेस्टेड हैं, 4 हैं, 1 है। अगर 5 लोग भी हुए तो भी मैं तैयारी करवाऊंगा, 1 भी हुआ, 2 भी हुए, 3 भी हुए, मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि कितने लोग हैं। अगर एक सिंगल पर्सन भी है तैयारी तो मैं करवाऊंगा ही, वो तो कोई कमेंट आए या ना आए तैयारी तो मैं करवाऊंगा। लेकिन हाँ अगर कमेंट हो जाएंगे तो मुझे एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ इतने लोग का प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, बस बाकी है कुछ नहीं। अगर एक का भी कमेंट आया तो मैं तैयारी तो करवाऊंगा, और बस यही है कि अभी फ्रीक्वेंसी 1 मिनट, हाँ आ रहा हूँ, हाँ बस मेरी मम्मी बुला रही है मुझे, तो मैं जा रहा हूँ।
बस हमें पे ज़्यादा बोलना नहीं आता, ये बोलूँ वो बोलूँ, अब नहीं पता भी मुझे क्या बोलना। जो मुझे बताना था मैंने बता दिया, 100 बात की एक बात दोबारा बता रहा हूँ। हमने मोहल्ला क्लिनिक का पेपर दिया, आपका कमेंट आया, मुझे पढ़ के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़्यादा थैंक यू आपको। और आपका बहुत पॉजिटिव कमेंट आया मुझे पढ़ के, और मेरा थोड़ा हौसला सब इंक्रीज़ हो गया। अब मेरा मानना है कि अब आपने मोहल्ला क्लिनिक दे दिया, आपकी इसके अंदर जॉब लग जाएगी तो भी आपको DSSB की तैयारी करनी है। और वैसे भी जिसने मोहल्ला क्लिनिक का एग्ज़ाम नहीं भी दिया उसे भी क्या है, गवर्नमेंट जॉब के लिए DSSB की तैयारी करनी है। तो DSSB की तैयारी के लिए हमने पेपर पैटर्न बता दिया, 100 मार्क्स का क्या नाम है, 100 मार्क्स का जनरल पेपर होता है और 100 मार्क्स का हमारा सब्जेक्ट होता है। तो जो मेरा अभी विचार है कि हम क्या जनरल पेपर की तैयारी स्टार्ट कर दें, जो फार्मासिस्ट के लिए कर रहे हैं उनका भी काम हो जाएगा। कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो क्या और फील्ड में भी होंगे, फार्मेसी के अलावा भी बहुत सारी फील्ड में होते हैं, जो मैंने देखे हैं बहुत से बच्चे होते हैं फार्मेसी के अलावा और भी चीज़ करके रखते हैं। तो जैसे कोई टीचिंग वगैरह फील्ड में भी होगा, टीचिंग में भी पार्ट है ना सेम ऐसे ही आता है इसी लेवल का। तो जैसे PGT PRT TGT वाले जो बच्चे होंगे वो भी क्या इसके साथ कर सकते हैं, फार्मासिस्ट की भी करते रहेंगे तैयारी साथ में इसकी भी करते रहेंगे। तो 100 बात की एक बात थी कि हम अगर आप कमेंट करोगे तो हम इसकी क्या है प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे। इसके अलावा जिस दिन नोटिफिकेशन आ जाएगा हम क्या इसकी भी कर देंगे, क्या नाम है प्रिपरेशन, मतलब हफ्ते में एक दिन तो अब भी करेंगे सब्जेक्ट हम, इतने हमें कोई मेजर पेपर नहीं आ रहा। अगर कोई बड़ा पेपर आ गया तो हम इसकी रेगुलर भी कर देंगे, फिर हफ्ते में एक बार जैसी नोटिफिकेशन आ जाएगा DSSB का फिर डेली कर देंगे। और जो हमारा नोटिफिकेशन है DSSB का अगस्त में आ सकता है, मैं नहीं कह रहा हूँ लिख के कि अगस्त में ही आएगा, मैं कह रहा हूँ अगस्त में आ सकता है। तो अगस्त तक अगर हम थोड़ा सा अपना ये सब्जेक्ट कवर कर ले जर्नल पेपर तो हमें बहुत ज़्यादा मतलब आसानी होगी। और बस यही बताना था, और मैंने DSSB का एग्ज़ाम दिया हुआ है तो मुझे पता है किस तरह का आता है, तो मैं आपको थोड़ी बहुत मदद कर सकता हूँ इसके अंदर। बाकी थैंक यू सो मच, और फिर मैं अपना एक्सपीरियंस भी किसी वीडियो में शेयर कर दूंगा कि मैं DSSB का मतलब किस तरह मैंने एग्ज़ाम दिया था, किस तरह वो एग्ज़ाम क्रैक हुआ, कैसे आगे का सिलेक्शन प्रोसीजर होता है वो भी क्या है। आगे मैं किसी भी दिन जब इसकी तैयारी करते रहेंगे बीच में किसी भी दिन अलग से एक वीडियो बना के बता देंगे किस तरह सिलेक्शन होता है, कैसे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, ई डोजियर कैसे भरा जाता है, ये सारी चीज़ भी क्या है धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे तो बात बात करते रहेंगे इसके बारे में। तो बस मुझे यही बताना था। और मोहल्ला क्लिनिक का पेपर अच्छा था, और इसकी जो मैंने अपनी तरफ से बताई है कि जो जा सकती है कट ऑफ 60-75 मान के चलो, इससे ज़्यादा कम हाँ मतलब इससे कम जा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। और बाकी मैंने कोई पत्थर की लकीर लगा के नहीं दी है, होने को कुछ भी हो सकता है, द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ अनसर्टेनिटी, तो कुछ भी हो सकता है। बाकी वीडियो में सिर्फ इतना ही बताना था, ज़्यादा लंबी वीडियो में करना नहीं चाह रहा, तो थैंक यू सो मच, यही मुझे बताना था, थैंक यू। कोई भी कमेंट हो, सजेशन हो, या आप चाहते हो कि सर इसे कोई किसी भी एग्ज़ाम के बारे में जानकारी लेनी हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और एक बात और, जो भी फार्मासिस्ट से रिलेटेड वैकेंसीज आएंगी इस चैनल पे मैं टाइम टू टाइम क्या आपको अपडेट देता रहूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगा। मैंने एक वैकेंसी आई हुई है SSC की, फार्मासिस्ट में SSC की वैकेंसी आई हुई है, उसके ऊपर भी वीडियो बना रखी है, आप चाहो तो एक बार उसे देख सकते हो। मैंने उसके अंदर भी बताया था कि मैं क्या है मतलब वीडियो स्टार्ट होने के 1 मिनट के अंदर ही बता दूंगा किस स्टेट की वीडियो है, ताकि ऐसा ना हो कि कोई बेचारा 5-10 मिनट तक वीडियो देखे उसके बाद पता लगे कि रहने वाला दिल्ली का है और वीडियो कन्याकुमारी की है, चेन्नई की है। तो बस यही बताना था, थैंक यू सो मच, थैंक यू।